नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। भारत जोड़ो यात्रा बांका मंदार से चलकर पहुंची भागलपुर। विधायक अजीत शर्मा ने इस यात्रा में लोगों को जुड़ने की किए अपील। बिहार कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चैप्टर बिहार के अंतर्गत बांका के मंदार से शुरू हुई और आज भागलपुर पहुँची। हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक हाथ में तिरंगा झंडा और कांग्रेस के झंडा को लेकर आगे बढ़ते चले और लोगों से देश बदलने की अपील करते हुए दिखे। इसी बाबत भागलपुर से खगड़िया यह यात्रा आगे बढ़ेगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, इसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार प्रभारी भक्त चरणदास सहित कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा स्थानीय एक होटल में प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर वार्ता की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा शुरू की गई यात्रा को लेकर ही बिहार में इसकी शुरुआत की गई है। वहीं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं बिहार प्रभारी ने कहा कि देश में वोट बैंक के लिए और सत्ता बचाने को लेकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में जातिगत दरार डालने का काम कर रही है, जिसे अपना भारतवर्ष टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा, उसे बचाने के ख्याल से भी यह यात्रा निकाली गई है। साथ ही महंगाई भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह यात्रा काफी सफल साबित होगा। ज्यादा की यात्रा, आज यात्रा का चौथा दिन है। हम इस इलाके के आंध्र प्रदेश में रहने वाले बांका जिला और भागलपुर जिला दोनों कांग्रेस कमेटी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बिना थके हुए इस यात्रा को संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। हम आप प्रेस के मित्रों का भी उतना ही धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सभी अखबारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने हम लोगों की इस यात्रा को उचित स्थान दिया, उचित अपने टीवी चैनलों में महत्व दिया। इसके लिए भी हम आप सभी के आभारी हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राहुल जी की यात्रा से जुड़ा हुआ है और राहुल जी जिस दिन 7 सितंबर को उन्होंने प्रारंभ की थी अपनी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य था कि इस देश से घृणा की राजनीति को कैसे समाप्त किया जाए। हमारे बैंक बिक रहे हैं, हमारे इंश्योरेंस कंपनी बेच रहे हैं, हमारे रेलवे बेच रहे हैं, हमारे बंदर बेच रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट बिक रहे हैं। क्या क्या नहीं बिका है ये 8 साल में। उसके बदले में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, उसके बदले में रोजगार की व्यवस्था नहीं हुआ, उसके बदले में महंगाई के नियंत्रण नहीं हो पाया, उल्टा हमारे जीडीपी का पतन हो चुका है और हमारे कृषि संपदा पर भी पूंजीपतियों का आंख। मोदी जी के मित्र लोग हमारे जितने कृषि संपदा है उस पर 3 काला कानून लाए, देश की किसानों की जमीन को पूंजीपतियों के लिए, उनको गिफ्ट देने के लिए, हड़पने के लिए, जो करोड़ों 85% लोग देश का कृषक और कृषिजीवी लोग निर्भर करते हैं, उसको हत्याने का काम हो रहा है। दूसरी तरफ आदिवासियों का जंगल का जमीन और जंगल संपदा को भी अख्तियार करने का कानून बन चुका है। तो देश बहुत खतरे में है, व्यक्ति की आज़ादी खत्म है, अनुष्ठान जो है, हमारे इंस्टीट्यूशन जो है, संगठनों की आज़ादी खत्म है और संसद में भी जो आज़ादी था, संसद में जो संवाद का, अपनी बात रखने का जो आज़ादी था, उसको भी सेंसर किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह गहराई से स्वागत करता हूँ और प्रभारी भगत चरणदास जी का भागलपुर शहर में स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ जो आप लोग सभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वाले आए हैं, चैनल मीडिया मीडिया और सबका भी स्वागत करते हैं। आप लोग ये भारत जोड़ो यात्रा, हम लोग जो बांका से चले हैं, सब चीज़ें उन्होंने बता दिया, बहुत ही जनता में उत्साह है और मैं भी मानता हूँ यह यात्रा राहुल गांधी जी का निकाला हुआ है, ये देश में खुद बड़ा बदलाव आएगा और बिहार में भी हम लोग
कांग्रेस पार्टी और गठबंधन मिलके एक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी और सबको रोजगार देने का, किसानों को मदद करने का सब काम करेंगे, महंगाई को रोकेंगे, इन्हीं चल सड़कों के साथ। धन्यवाद।